जब दिल चाहे कुछ स्वादिष्ट खाने का तो सब्सक्राइब करें चैनल स्वाद दिल्ली का और मेरी वीडियो आपसे कोई मिस ना हो सो प्रेस द बेल आइकन, इट्स टोटली फ्री। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू मेक चिकन स्प्रिंग रोल। व्यूअर्स, चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चिकन स्प्रिंग रोल बनाने के लिए व्यूअर्स हमने चिकन का ये कीमा लिया है जिसे हमने पहले से बॉईल कर लिया, एक बॉईल में ही गल गया है, टेंडर हो गया है। अब देखिए ये हमने कुछ वेजीज ली हैं, कैप्सिकम है, अनियंस यानी प्याज है, कैबेज है, इनको हमने श्रेडेड कर लिया है और इन्हें क्यूब्स में काट लिया है। कैप्सिकम को आप चाहें गाजर वगैरह भी और स्प्रिंग अनियन भी ले सकते हैं। इसमें हमने बस 1 टीस्पून ऑयल गर्म किया है, वेजिटेबल ऑयल। और अब हम इसके अंदर गार्लिक यानी 2-3 क्लोव हमने गार्लिक को चॉप कर लिया है हाथ से ही और इसको हमने इसमें डाल दिया है। उसे डालते ही फौरन हम अपना चिकन डाल देंगे जो हमने पहले से बॉईल कर लिया है। बस ये सारी सब्जियों को और ये सब चिकन को हमें सिर्फ सौते करना है व्यूअर्स, क्योंकि हमारी सब चीज़ें गल चुकी हैं। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे थोड़ा सा, अराउंड 1/2 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ब्लैक पेपर से। बस इसमें हमें ओरिगैनो डालना है थोड़ा सा, इटालियन फ्लेवर देने के लिए, पिज्ज़ा फ्लेवर आता है इससे। हल्का सा सौते करेंगे इसे और इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। सॉल्ट हमने इसे बॉईल करने में भी डाला था। अब इसमें कैबेज डाल देंगे हम, कैप्सिकम, अनियन सब डाल देंगे ताकि हल्के से बस ये सौते हो जाए, थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, सॉगी। बस थोड़ा सा ही करना है क्योंकि चिकन हमारा टेंडर हो चुका है। चिली फ्लेक्स डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। आप चाहें तो इसमें पेपरिका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और सोया सॉस हमें इसमें ऐड करनी है 1/2 टीस्पून और विनेगर यानी वाइट विनेगर भी ऐड करेंगे हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून। बस और कुछ इस मसाले इसमें नहीं डलते। इसे हल्का सा सौते करेंगे और ये हमारा स्टफिंग, स्प्रिंग रोल की स्टफिंग हमारी तैयार है। इसे एक साइड पर निकाल लेंगे। इसमें टोमेटो सॉस भी ऐड करेंगे व्यूअर्स। अब हमने मैदे में थोड़ा सा पानी मिलाकर एक घोल सा बना लिया है, बिल्कुल लिक्विफाई कर लिया है इसे। तो क्योंकि हम अपने जो स्प्रिंग रोल जो हम इसे हम रोल करेंगे शीट्स को, उसे सील करने के लिए। अब इसमें स्टफिंग डालेंगे हम, अराउंड 1 से 1 से 2 चम्मच हम इसमें भर के स्टफिंग डाल रहे हैं। और देखिए इस तरीके से इस कोने से इसको ऐसे मोड़ना है, ये देखिए कोने से इस तरह फोल्ड करिए आप और इन दोनों कोनों को साइड करिए लिफाफा शेप में, जिस तरह करते हैं एक लिफाफे की शेप में हमें इसे रोल कर लेना है। बहुत ही ईजी है, इसे हम रोल करके इस तरह स्टफिंग को सील कर लेंगे, इसको हमारे स्प्रिंग रोल को। ऐसे ही हम सारे तैयार कर लेंगे, सारे स्प्रिंग रोल को हमें ऐसे ही तैयार कर लेना है और इसे फ्राई करने के लिए रेडी हैं ये हमारे। उधर हमने ऑयल गरम कर दिया है व्यूअर्स, हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है जो कि बहुत गरम करते हैं उसे ताकि उसकी जो झल है वो निकल जाए आसानी से। देखिए बहुत अच्छे से गरम हो गया है। फिर इसके बाद हमने इसको लो कर दिया है और बस लो मीडियम पर हमें इसे फ्राई करना है ताकि क्रिस्पी हो जाए। या आप रमज़ान स्पेशल बना सकते हैं, रमज़ान में आप शीट्स को बना के रख लीजिए और फिर इफ्तारी के टाइम बस स्टफिंग भरिए और इसे फ्राई कर लीजिए। इसे स्टोर करके फ्रिज में, मैंने आपको बताया था अपने स्प्रिंग रोल शीट्स की वीडियो में कि इसे आप फ्रीज करके भी रख सकते हैं और फिर इसे जब आपको फ्राई करना है, बच्चों को ब्रेकफास्ट में देना है, लंच में देना है, तो आप इसे फ्राई कर सकते हैं। देखिए हमारे ये रेडी टू सर्व हैं। अच्छा से इसका ऑयल को ड्रेन कर लेंगे हम, एक टिश्यू पेपर में हमने निकाल लिया है और अब हम बाकी के जो स्प्रिंग रोल हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे गर्मा गर्म स्प्रिंग रोल तैयार हैं, ये होममेड टोमेटो सॉस के साथ जो हमने बनाई थी व्यूवर्स। हम इसे काट कर भी दिखाते हैं, बहुत ही यम्मी बने हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट करें और मेरे चैनल स्वाद दिल्ली का को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी फैमिली फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें व्यूअर्स, कमेंट करके ज़रूर बताइए, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।